हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एससीए लाइव। आज का ये वीडियो आप ही की तरफ से डिमांड करेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है जो बिगनर्स को बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, और वो है हमें हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी कैसे शुरू करनी चाहिए या किस लैंग्वेज से हमें प्रोग्रामिंग सीखने की शुरुआत करनी चाहिए। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, बहुत सारे दूसरे चैनल्स पे बहुत बार इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जा चुकी है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे ओपिनियंस रखे हैं, ऑलमोस्ट हर एक का ओपिनियन अपनी जगह बिल्कुल फिट है, बिल्कुल सही है। अब मैं उन्हीं चीजों में अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें एड ऑन करना चाहूंगा और सजेस्ट करना चाहूंगा आपको कि अगर आपने अभी तक कोडिंग की शुरुआत नहीं करी है, आप इस कंफ्यूजन में है कि आपको कहां से शुरू करना चाहिए, तो आप ये वीडियो एंड तक फॉलो करें। आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी, क्लियर इंसाइट मिलेगा किस लैंग्वेज से आपको करना चाहिए स्टार्ट। बट इससे पहले कि मैं बताऊं किस लैंग्वेज से शुरू करना चाहिए, दो मिनट में इस बारे में बात करना चाहूंगा कि हम प्रोग्रामिंग करें ही क्यों, व्हाट इज द नीड ऑफ लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, इन्हें एक ही भाषा समझ में आती है, विच इज द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम मशीन लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। अब हम इंसानों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि हम कंप्यूटर से जीरो और वन में बात करें, कंप्यूटर के लिए उससे ज्यादा मुश्किल होगा कि वो हमसे हिंदी या अंग्रेजी में बात करें। तो मेरी कही गई बात को कंप्यूटर तक कंप्यूटर के फॉर्म में ले जाना, वहां से जो रिस्पॉन्स आए उसे मेरे फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना, दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बहुत सिंपल वर्ड्स में फ्रेंड्स अगर मैं कहूं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर लाइक ट्रांसलेटर्स बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर्स। इंसान की कही गई बात, इंसान के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करना, वहां से आने वाले रिस्पॉन्स को आपके फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, दैट इज द बेसिक जॉब ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? मतलब आप मान लीजिए एक नॉर्थ इंडियन और एक साउथ इंडियन को बात करनी है तो कैसे करेंगे अगर उनके बीच में कॉमन कम्युनिकेशन मीडियम नहीं होगा। इस तरह से एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर को अगर बात करनी है तो आपस में कैसे बात करेंगे अगर उनके बीच में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मौजूद नहीं होगी। अब आता है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसमें मैंने देखा है 10 में से 8 बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और वो होता है हम बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसको मान सकते हैं। फ्रेंड्स, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे आप ये नहीं बोल सकते बेस्ट फूड कौन सा है, आप ये नहीं बोल सकते बेस्ट एक्टर कौन सा है, अपना अपना क्राइटेरिया होता है एक्टर्स पसंद करने का। बिल्कुल ऐसे फ्रेंड्स आप ये नहीं बोल सकते बेस्ट लैंग्वेज कौन सी होती है। हर लैंग्वेज का अपना एक डोमेन होता है। मैं आपको ये बता दूं, अगर आप एआई एमएल की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इस पे अपना करियर बनाना है, आपको शुरू करना चाहिए एसक्यूएल एंड पाइथन से। ये लैंग्वेजेस आपका बेस तैयार करेंगे टुवर्ड्स गोइंग फॉर एआई एंड एमएल। अगर आपको लगता है मुझे वेब डेवलपमेंट में मुझे इंटरेस्ट है, मुझे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, तो आपकी लैंग्वेज ऑफ चॉइस होनी चाहिए जावा या जावास्क्रिप्ट। अगर आपको लगता है मुझे एआई एप्लीकेशंस बनानी है, उनको डेवलप करने में आपका इंटरेस्ट है, या आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की तरफ जा रहे हैं, बहुत स्पीड चाहिए आपको आपके कोड के अंदर, आपकी लैंग्वेज ऑफ चॉइस होनी चाहिए फ्रेंड्स C++। बट ये हमारे वीडियो का आंसर नहीं है। हम ये पढ़ने जा रहे हैं, हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं इन सभी लैंग्वेजेस से पहले एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स जिसको आज बहुत अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है। वो लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए फर्स्ट लैंग्वेज, और वो लैंग्वेज फ्रेंड्स और कोई नहीं है, वो मदर ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज का नाम है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप ये नहीं सोचिएगा कि मैं सी को रिकमेंड आज के एरा में क्यों कर रहा हूं, सी तो बहुत आउटडेटेड लैंग्वेज है। नहीं है फ्रेंड्स सी आउटडेटेड। सी वो लैंग्वेज है जिसके बेसिस पर दुनिया की हर पॉपुलर लैंग्वेज आज मार्केट में आपको मिल रही है। सी ही जावा के पीछे है, सी ही पाइथन के पीछे है, सी ही माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे है, सी ही सी डबल प्लस के पीछे है। तो टेक्निकली ये वो लैंग्वेज है जिसने दुनिया में इतनी सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाई है। आप नोटिस करिए, कल को आप जब जावा पढ़ते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर जावा को यूज करते हैं, बट द प्रॉब्लम इज जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है ये बिगनर नहीं समझ पाता। पहले दिन जब वो जावा का कोड देखता है उसके सामने क्लास, क्लास का नाम, पब्लिक, स्टैटिक, इतनी सारी चीजें आती हैं। अब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो आप उनको डे वन पे समझें जो मुझे लगता है बहुत बहुत डिफिकल्ट है, या फिर आप इनको इग्नोर करते हुए चलें, जैसा मैंने बहुत सारे देखा है पढ़ाने वालों को, हर एक यही बोलता है और वो बोलेगा भी यही कि मैं इन चीजों को आपको आगे बताऊंगा। मुझे ऐसा लगता है एक बिगनर अगर हर चीज स्किप करने लगा तो वो कैसे समझ पाएगा प्रोग्रामिंग का क्रक्स क्या है। जबकि आप जब सी से शुरू करते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल से एक या दो पॉइंट्स होंगे जो आपको स्किप करने पड़ते हैं डे वन पे, अदरवाइज आप पहला प्रोग्राम टॉप टू बॉटम बहुत बेहतरीन तरीके से सी लैंग्वेज के अंदर समझ सकते हैं। ऐसे ही आपने सुना होगा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट होता है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस फ्रेंड्स वो होती हैं जिनमें प्रोग्रामिंग के 3 मेन कंस्ट्रक्ट्स होते हैं। उनके अंदर सिलेक्शन होता है जिसको हम इफ एल्स बोलते हैं, उनके अंदर रिपीटेशन होता है जिसको हम लूपिंग बोलते हैं, उसके अंदर सब रूटीन्स होते हैं जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं। घबराइए मत, ये प्रोग्रामिंग के वर्ड्स हैं, आप बहुत अच्छे से इनको समझेंगे।
ये स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस से आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कराती है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग के स्टेपिंग स्टोन से फ्रेंड्स। इसी तरह से कल को जब आप पाइथन पढ़ोगे, पाइथन बताएगी आपको वो बहुत बेहतर तरीके से ऑब्जेक्ट्स को मैनेज करती है। इनफैक्ट एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट। बट फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वेरिएबल का एडवांस वर्जन है। ऑब्जेक्ट्स आर स्मार्ट वेरिएबल्स, बट वेरिएबल्स क्या होते हैं ये इंट्रोडक्शन आपको सी देगी। इसी तरह से आप देखेंगे जावा, पाइथन, इवन जावास्क्रिप्ट बहुत बढ़िया तरीके से मेमोरी को मैनेज करते हैं। उनमें गार्बेज कलेक्टर नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है। व्हाट इज गार्बेज, व्हाट इज गार्बेज कलेक्टर? नहीं समझ पाता एक बिगनर जब तक उसने खुद मेमोरी मैनेज करने का कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या किसी और लैंग्वेज में ना लिखा हो। मतलब अगर मैं बहुत लेमेन के टर्म्स में समझाऊं ना फ्रेंड्स, तो जावा, पाइथन ये सब स्पोर्ट्स कार है। आप अगर डायरेक्ट पहली बार ड्राइविंग करने एक स्पोर्ट्स कार में बैठेंगे, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए बहुत सारे कंट्रोल्स को मैनेज करना। तो टेक्निकली सोचिए, ड्राइविंग की शुरुआत तो हमें एक बेसिक फोर व्हीलर से करनी चाहिए ना, लाइक मारुति, लाइक वैगनआर या कोई भी और कार जो आपको ड्राइविंग पे फोकस कराए, फंक्शनैलिटी इतनी सारी ना दे कि आप डे वन पे कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सी से शुरू करिए। फंक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करती है, जबकि बाकी लैंग्वेजेस फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करते हुए चलती है। नहीं समझ में आता ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है जब तक हमको बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग का सी में सीखने को ना मिले। हालांकि मैं फिर कहूंगा वीडियो एंड करते वक्त, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैंने ऑब्जर्व करा है, इवन एक मैकेनिकल इंजीनियर अगर आज सी से अपनी जर्नी की शुरुआत करता है फ्रेंड्स, तो उसने वॉलमार्ट जैसी कंपनी तक को क्रैक करा हुआ। ये मेरे खुद के स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, अगर आप जरा भी डिलेमा में है, जरा भी कंफ्यूजन में है, आपको जावा पाइथन पढ़ते वक्त लग रहा है ये चीजें कंफ्यूज कर रही है, एक बार सी से शुरू करके देखिए। यू विल एंजॉय इट और यू विल फॉल इन लव विद प्रोग्रामिंग। क्योंकि मैं एक टीचर के तौर पे ये चाहूंगा कि मेरा स्टूडेंट अगर एक लाइन का कोड भी लिखे ना, उसे वो रटे नहीं, एक डॉट भी लगे तो उसे समझ में आए ये डॉट यहां पर क्यों लगा है, और हटा दूंगा तो प्रोग्राम पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। आई होप इस वीडियो ने आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स को दूर करा होगा, एक प्रॉपर पिक्चर आपके सामने रखी होगी कि आपको सी से क्यों क्यों अपनी प्रोग्रामिंग की शुरुआत करनी चाहिए। बाय द वे, आप बताइएगा मुझे, आप अगर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो आपने कौन सी लैंग्वेज से शुरुआत करी? और ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। अगर आपके पास कोई सजेस्टेड टॉपिक है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, उसमें हमें सजेस्ट करें अगला वीडियो हमारा ऐसे किस टॉपिक पे होना चाहिए।